गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 4। हम लोग को फीस वाला ड्राइंग कंप्लीट करना है बच्चों। ए वाला मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके, इसके अंदर आपको कलर भरना है। जो कलर भरना चाहो वो भर सकते हो बच्चों, बराबर। आपके हिसाब से जो कलर करना चाहो वो कलर कर सकते हो। यहाँ पे ए वाला कलर है वॉयलेट और येल्लो, बराबर। और हम लोग को यहाँ पे एक्टिविटी भी करना है। पेज के अंदर, वर्कशीट के अंदर ए पेज नंबर 40 वाला निकालना है। और बच्चों ये हल्के हाथ से पूरे में कलर करना है। कोई भी कलर कर सकते हो, मैंने बताया वैसा कलर होगा तो भी चलेगा, और कोई तुम लोग कलर लेना चाहो वो भी चल सकता है उसके अंदर। फिर डार्क करना है, लाइट डार्क कलर उसके अंदर भी है और लाइट डार्क कलर हम लोग को भी करना है। पहले लाइट हल्के हाथ से घुमा दो, स्केच पेन बॉर्डर लाइन भी दे सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, बराबर। अभी इसके अंदर थोड़ा हम लोग ऊपर वॉयलेट कलर करेंगे, तो पिंक और वॉयलेट कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अच्छी तरह से घुमा के कंप्लीट कर दो। ये वाला कलर आप लोग को भरना है बच्चों। जो कलर भरना चाहो वो भर सकते हो आपके हिसाब से, बराबर। मैं थोड़ा बताऊंगी, बाकी आपको कलर का काम आपको कंप्लीट करना है। ये मैंने हल्के हाथ से थोड़ा भर दिया, दोनों पीस के अंदर कंप्लीट करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद तो बच्चों ये लाइट डार्क कलर मैंने किया हुआ है, आपको भी कंप्लीट करना है ऐसा करके, बराबर। और कोई कलर में भी करोगे तो भी चलेगा। अभी हल्के हाथ से थोड़ा उसके ऊपर हम लोग येलो का लाइनिंग लेंगे, तो वो अलग डिज़ाइन में दिखाई देगा, बराबर बच्चों। ए वाला भी यहाँ पे हम लोग येलो का लाइनिंग देंगे तो लाइट डार्क शेड आएगा और अच्छा भी दिखेगा। उसके अंदर रेड कलर का भी लाइनिंग कर सकते हो हल्के हाथ से, हाँ। तो फीस का कलर थोड़ा अलग दिखेगा। कोई भी कलर कर सकते हो बच्चों इसके अंदर। फीस डेकोरेटिव करना है, कोई भी कलर कर सकते हो। अभी मुंह के अंदर फिर से पिंक। अभी मैं आँख बता देती हूँ बच्चों, ये तो आप लोग कर दोगे। आँख बनाने के लिए बच्चों, आँख बनाने के लिए क्या करना है, ये मैंने पेंसिल से ही बनाया है। हल्के हाथ से गोल कर दो, फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा पिंक किया है, फिर थोड़ा येलो करोगे तो वो उसकी आँख बन गई, बराबर बच्चों। ऐसे ही आप लोग को ए वाला ड्राइंग कंप्लीट करना है। ये बाहर का भी ऐसे ही कलर करके भरना है, और यहाँ पे भी ए वाला जो है वो डार्क, अंदर का जो बबल्स है वो डार्क, और इसके अंदर लाइट, बराबर। ऐसे करके हम लोग को ए वाला कलर भी कंप्लीट करना है। अभी मैं एक्टिविटी बता रही हूँ बच्चों के अंदर। पहले हम लोग को एक्टिविटी के अंदर ये जो स्नेल है वो उसको चिपका देना है, सेल को चिपका देना है, फिर हल्के हाथ से कलर करना है। क्योंकि चिपकने के बाद गम जो लगेगा तो ए वाला हमारा कलर होगा नहीं अच्छी तरह से, फिर हल्के हाथ से ही कलर करना है। इसलिए मैंने उसके अंदर भी आपको हल्के हाथ से ही दिखाया है कि दबा दबा के करोगे तो होगा नहीं, बराबर। इसके अंदर कम ज़्यादा होगा तो एडजस्ट कर देना बच्चों, क्योंकि मेरे में भी कम ज़्यादा है तो मैंने एडजस्ट किया है। देखो दोनों में तीन 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 लगाए तो आराम से हो जाएगा। बाकी का कलर और आपके घर पे जो मटेरियल होगा, समझ लो आँख में कुछ स्टोन लगाना है या फिर कुछ करना है तो आँख में भी कर सकते हो। अभी हल्के हाथ से यहाँ पे देखो ए वाला वॉयलेट कलर यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे लाइट, तो यहाँ पे जो डार्क करना है और फिर उसके ऊपर लाइट। सूखने के बाद बच्चों यार, आपको सूखने के बाद करना है। मैं तो कैसे करके भी एडजस्ट कर दूंगी, पर आपको सूखने के बाद कंप्लीट करना है। सेल को लगाने के बाद सूख जाएगा, बाद में एक्टिविटी में कलर कंप्लीट करना है, बराबर। हम लोग ने उसके अंदर मैंने बताया वैसा, ऐसे ही बॉर्डर लाइन कंप्लीट करो डार्क कलर से और लाइट कलर अंडर करो, बराबर। ए वाला इतना कंप्लीट करके सब कुछ रेडी रखो और कलर भर देना है आपको जो पसंद आए। इसके अंदर है कलर वैसा नहीं, पर दूसरा भी कलर कर सकते हो, बराबर बच्चों। कलर करके कंप्लीट करना है। स्टे होम स्टे सेफ।